खबर अंजड़ से। नर्मदा नदी में अवैध रूप से छुपाए हुए प्लास्टिक के 41 ड्रम जिनमें लगभग 25,000 किलो से अधिक कच्चा महुआ लहान छुपाकर रखा गया था नष्ट किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध शराब माफिया भू माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा। अभियान की गंभीरता पूर्वक लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत द्वारा शराब माफिया और भू माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया। श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्री आरडी प्रजापति और एसटीओपी बड़वानी कुंदन मंडलोई के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अंजड़ निरीक्षक बलदेव सिंह मुजालदा द्वारा थाना स्टाफ के साथ थाना क्षेत्र के ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा नदी के किनारे बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सूचना मिलने पर आज दिनांक 16/4/23 के सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र के नर्मदा तट पर दबिश दी जाकर नर्मदा नदी में अवैध रूप से छुपाए हुए प्लास्टिक के 41 ड्रम जिनमें लगभग 25,000 किलोग्राम से अधिक कच्चा महुआ लहान छुपाकर रखा गया था को नष्ट किया। साथ ही अवैध शराब निर्माण सामग्री भट्टियां प्लास्टिक पाइप शराब बनाने के बर्तन आदि भी नष्ट किए। मौके पर अवैध शराब की बिक्री करने के लिए उपयोग करने वाली लकड़ी की एक नाव एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 70 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की जाकर आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। उक्त सामग्री के अनुमानित कीमत करीब 1,75,000 रुपए से अधिक है। पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई सतत जारी रहेगी। शराब पकड़ी गई, कहाँ से पकड़ी गई और कितनी मात्रा में पकड़ी गई? देखिए अंजड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़दा गांव है, उसके नर्मदा किनारे पर, वहां पर आज अंजड़ थाना की टीम के द्वारा दबिश दी गई है जिसमें भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान और महुआ लहान पकड़ा है जिसे नष्ट किया गया। साथ ही शराब भी मिली है, आरोपी की तलाश की जा रही है। कितने ड्रम पकड़ी गई सर? टोटल 41 ड्रम है और 4 भट्टियाँ जो चल रही थी उनको नष्ट किया गया। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।